लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है। हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं, पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल को, कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया, नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा इतना बढ़ा इतना बढ़ा, पिछले चार दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर एक वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इल्लीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेड़ से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं। लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है, हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है।